बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पिरेशन टू फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्ले के बारे में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और हम डिस्कस करेंगे क्ले को और इनके यूजेस को। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको सही तरीके से जो है रीड आउट करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पिक कर सकें, क्योंकि क्ले का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्ले है क्या। व्हाट इज़ क्ले? क्ले इज़ अ जनरल टर्म इंक्लूडिंग मैनी कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर विद द ट्रेसिस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर यूज इन कम्बिनेशन विद पॉलीमर्स। तो क्ले जो है एक जनरल टर्म है जिसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारे कम्बिनेशन, एक या एक से ज़्यादा, किसके विद ट्रेसेस ऑफ द मेटल ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो इनमें यूज़ होते हैं एज ए कम्बिनेशन मेटल ऑक्साइड्स, ट्रेसेस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक मैटर एज ए कम्बिनेशन यूज़ होते हैं विद द पॉलीमर्स। तो जब ये कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ होते हैं तो दे फॉर्म क्ले। सो पॉलीमर्स में नॉर्मली आ जाते हैं नैनो कम्पोजिट आ जाते हैं। नैनो कंपोजिट हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, कि जिनमें कम से कम हम कह सकते हैं कि इन विच एटलीस्ट वन डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट इज इन द नैनोमीटर, जिनमें कम से कम एक डायमेंशन जो है उनके कंपोनेंट की वो नैनोमीटर साइज में हो, यानी लेस देन 100 नैनोमीटर हो। तो हम यूज़ करते हैं क्ले को टू इन्हांस देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ताकि ये इसी वजह से कम्बिनेशन बनाया जाता है ताकि हम उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सकें। आई होप डेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यूजेज ऑफ क्ले, क्ले को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ यूज इन फ्लेमेबिलिटी, इसको फ्लेमेबिलिटी यानी बर्निंग रैपिडली, चीज़ों को बर्न आउट करना रैपिडली, तो हम क्ले को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिसाल लेता हूँ, दैट इज़ फ्लेमेबिलिटी ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ यूजिंग व्हेन हीटेड एंड हार्डनिंग एंड बिकमिंग रिजिड अगेन व्हेन कोल्ड। तो ये ऐसे थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉफ्ट जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्यूज़ करते हैं जब उनको हीट अप किया जाता है, और इसके साथ साथ वो हार्ड भी हो जाते हैं जल्दी हार्ड हो जाते हैं जब उनको कूल डाउन किया जाता है। इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलीन जो है, पॉलीप्रोपाइलीन इसमें इनकी फ्लेमेबिलिटी में भी यूज़ होते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन हमारे पास मोल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, इनको मोल्ड किया जा सकता है। और इसके साथ साथ पॉलीस्टेरीन अधिजेट ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक होता है, तो इन सब की फ्लेमेबिलिटी में क्ले को यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट यूज़ है क्ले का हमारे पास। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूज़ है टेनिस बॉल कोटेड विद द क्ले नैनो कंपोजिट। टेनिस बॉल की कोटिंग की जाती है क्ले नैनो कंपोजिट के साथ। तो टेनिस बॉल कोटेड विद द क्ले नैनो कंपोजिट इज़ रिक्वायर्ड बाउंसिंग ट्वाइस एज कन्वेंशनल वन रिजल्ट फ्राम द रिडक्शन ऑफ द गैस ट्रांसमिशन थ्रू वॉल ऑफ द टेनिस बॉल। अब देखें, जब टेनिस बॉल आपने देखा होगा तो टेनिस बॉल की अगर हम सरफेस को देखते हैं, आउटर सरफेस, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स। तो अब जब उसके ऊपर आप टेप वगैरह करते हैं, ठीक है, टेप जो नॉर्मल मिलती है प्लास्टिक की, वो आप उसके ऊपर करते हैं, तो क्या होता है, कुछ खेलने के बाद, कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, वो टेप उतरना शुरू हो जाती है। उसके पीछे दो रीज़न होती है, एक तो आप बार बार हिट करते हैं उसको, उससे टेप की सरफेस डैमेज होती है। दूसरी, इसके साथ साथ जो टेनिस बॉल होती है जब वो प्रेस होती है, जब आप उसको हिट करते हैं किसी चीज़ के साथ लगती है, तो उसके इनसाइड्स से आउटर इन्वायरमेंट की तरफ जो पोल्स होते हैं उनमें से गैस जो है वो बाहर आती है, जिसकी वजह से वो टेप को ख़राब करती है। तो जब आप टेनिस बॉल पे कोटिंग करते हैं क्ले नैनो कंपोजिट्स की, तो वो क्या करती हैं, रिडक्शन ऑफ द गैस ट्रांसमिशन थ्रू वॉल ऑफ टेनिस बॉल। तो जो गैस की जो रिडक्शन को, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस गैस को कंट्रोल करती है, उसकी अमाउंट को कम करती है, क्योंकि आपने इसके ऊपर कोटिंग कर दिया किसकी, क्ले नैनो कंपोजिट्स की, ठीक है। तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।